यूं तो ये चीख झारखंड की राजधानी रांची से निकली है, मगर किसी मुगालते में मत रहिएगा। इस महामारी की मार से पूरा हिंदुस्तान चीख रहा है। रांची के सदर अस्पताल में कोरोना की मार से इस बेटी के पिता की मौत नहीं हुई है, इस बेटी के पिता की मौत हुई है समय से डॉक्टर के ना पहुंचने से। वो डॉक्टर चिल्लाती रही और प्रशासन अपनी लचर हालत को समेटे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की जी हुजूरी में चौकस व्यवस्था का दंभ भरता रहा। लेकिन जब औचक निरीक्षण करने सदर अस्पताल पहुंचे बन्ना गुप्ता के सामने हजारीबाग के रहने वाले 60 साल के पवन गुप्ता ने दम तोड़ा तो बेटी चिल्ला उठी। मंत्री जी को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि पीपी किट में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पानी पानी हो गए। बेटी ने चिल्ला कर पूछा, सिर्फ वोट लेने ही आते हो? इस बेटी का गुस्सा जायज है। हजारीबाग से रांची सदर अस्पताल आई इस बेटी को उम्मीद थी कि बड़े शहर के बड़े अस्पताल में उसके पिता कोरोना से जंग जीत जाएंगे। सदर अस्पताल पहुंचे तो कोविड के इस मरीज को कोई डॉक्टर अटेंड करने को तैयार नहीं हुआ। हालत पहले से भी काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। बेटी ने पिता को बचाने के लिए जोर से आवाज लगाई, डॉक्टर डॉक्टर, मगर कोई नहीं आया। और फिर एक और मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया। हुकूमत के लिए ये महज एक आंकड़ा है, मगर जिसके घर का मुखिया चला गया उसका दर्द वही समझ सकता है। सो बेटी ने वही मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से पूछ लिया, मेरे पिता को वापस ला कर देंगे? कि मैं जब वहां पर गया हूं, ये सारी घटना उससे पूर्व की घटनाएं हैं और मुझे ये सब कुछ मालूम भी नहीं था। मैं तो सीधे ना, मुझे ये जानकारी थी, मैं तो सीधे आया और आकर सीधा कोरोना रेंडम आया, वो भी अचानक मैं पहुंचा हूं और पहुंच के आईसीयू के कोविड के आईसीयू वार्ड में चला गया और वहां जाकर मरीजों का कुशल छिन पूछ रहा था। मुझे, मेरे सामने ये कोई घटना नहीं हुई है, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ वो बहन जो है वो उस समय रोती बिलकती उतरी है और उस समय वो बोल रही थी बात। बाकी वो जब वो आए थे कहां, डॉक्टर नहीं मिले, क्या हुआ, ये मेरे से सारी पूर्व की घटना है। ये बात वाकई अब समझ से परे है कि बीते एक साल से ज्यादा समय से हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, मगर आज एक साल बाद भी हमारी सरकारें वो मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाई कि कोरोना के मरीजों को अटेंड किया जा सके। नतीजतन हालात ऐसे हो गए हैं कि कोरोना के मरीजों को तो छोड़िए, कोरोना के शवों के अंतिम संस्कार के भी सारे मैकेनिज्म फेल हो गए हैं, जहाँ शवों को अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।